अक्का पब्लिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, संजय कुमार के साथ। आज हम मौजूद हैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट शाहगंज तहसील के प्रागण में, और यहाँ पे तमाम गांव से तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए, कुछ बच्चे भी यहाँ ट्रॉफी ये लेके आए हैं और इनको कोई प्रतियोगिता के कुछ तरीके से यहाँ बांटा गया है। आइए, हम इनके जो भी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे समित के उनसे जानना चाहते हैं ये क्या है, किस तरीके से ये प्रतियोगिता कराएं, उस पर क्या ट्रॉफी दिए हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार गौतम है। जी जी, ये हम लोग सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता ग्राम सभा सुरीज में जिला स्तर के रखे थे। अच्छा। और ये बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं ये फर्स्ट के थर्ड वाले बच्चे हैं। इसी तरह हर साल हम लोग करते रहेंगे। किस गांव बता रहे हैं? ग्राम सभा सुरीज है। अच्छा, तहसील शाहगंज के बगल। अच्छा जी, तो उस प्रतियोगिता में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी लोग हैं। जी, आइए, हम यहाँ पे कुछ बच्चे भी उपस्थित हैं, इनसे जानना चाहते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है? सौम्या भारती। अच्छा, ये ट्रॉफी जो पाए हैं क्या इससे महसूस हो रहा है? ये जो ट्रॉफी पाए हैं इससे क्या, किस क्लास में पढ़ती हो आप? सेवेंथ। अच्छा, सभी क्लास के बच्चे, कितने क्लास के बच्चे यहाँ पे उपस्थित है? जी, सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक। अच्छा, हर साल इसी तरीके से मनाया जाता है? मुझे तो नहीं पता अभी। हाँ। अभी पहली बार। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम सौर्यान भारती है। जी जी, तो ये प्रतियोगिता में कौन से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड? फर्स्ट आए। अच्छा, किस गांव से आए हैं? ग्राम हुआ पोस्ट मुंडवर है। अच्छा, तो ये कितने साल से इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? अभी मेरा फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जी। क्या जानकारी उस प्रतियोगिता में दिया गया? इससे हमें सीख मिलती है कि बाबा साहब के बारे में जानना, और यहाँ जो मेडल ले जा रहे हैं इसके बारे में और लोग जानेंगे क्या आगे तैयारी, मतलब क्या जानकारी, जैसे मतलब सम्मान ज्ञान या बाबा साहब के बारे में जानना, और जितने दलित समाज के हैं तो उनके बारे में सब जानना। अच्छा, आइए, यहाँ पे कुछ और भी लोग, यहाँ बच्चियाँ और उपस्थित हैं। क्या बाबू, क्या नाम है आपका? शिल्पा। अच्छा, जो ये प्रतियोगिता में भाग ली है उसमें क्या आप लोग क्या जानकारी मिली? क्या चीज़ के बारे में? थोड़ा तेज बोलिए, डरिए मत, जो भी बताना है। अम्बेडकर के बारे में। अच्छा, उसमें मतलब शिक्षा के बारे में, शिक्षा और शैक्षिक ज्ञान भी दोनों दिया गया ना, तो उसमें आप लोग क्या मतलब उस तरीके से अच्छा लगा, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या बाबू, क्या नाम है? संजना भारती। अच्छा, संजना भारती, कै में पढ़ती है बाबू? सिक्स। सिक्स में। यहाँ पे क्या आप लोगों को क्या बताया गया प्रतियोगिता में? सर, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आया था, और भी जीके जीएस का आया था। अच्छा, तो उसमें बाबा साहब के बारे में क्या क्या, मतलब जैसे बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1991 में। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। आइए, हम इनके और भी कार्यकर्ता में उपस्थित, क्या हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको 14 अप्रैल महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। मैं मुकेश कुमार गौतम, एडवोकेट, आपको बताना चाहूँगा कि जो ये आयोजन है जी, शिक्षा के प्रति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता सूर्य शाहगंज जौनपुर के तत्वाधान में यह आयोजन सम्पन्न हुआ। ये कितने वर्षों से आप मनाते आ रहे हैं? ये विगत वर्षों से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने यह परीक्षा कुशलता पूर्व संपन्न कराया। आप देख रहे हैं ये यहाँ हुजूम लगा हुआ है इस महापर्व पर, और उसी बीच में हम इन सभी सैकड़ों बच्चों में से उन सभी टॉप 26 बच्चों को हमने चयन किया, जो बहुत ही मेहनत किए, उस लायक थे, और हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके और टॉप 13 में ट्रॉफी, नहीं 100 बच्चों में से हमने मात्र कक्षा 6 से 8 तक बच्चों को, हमने 10 बच्चों को टॉप 10 में दिया, और 3 बच्चों को हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड का रैंक में उनको ट्रॉफी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, यहाँ पे जाना गया बच्चों के जो प्रतियोगिताएँ हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, जो भी अगर अच्छे नंबर पे बच्चे आए हैं उनको ट्रॉफी भी दिया गया, ट्रॉफी दे के सम्मानित किया गया। इसी तरीके से दूर दराज कई भी गाँव के यहाँ पे झांकियाँ भी आई है, और यहाँ पे और तरीके से यहाँ प्रोग्राम था, और इसमें जो भी बच्चे और यहाँ पे पुरुष भी और जो बच्चियाँ भी उपस्थित हैं उनको उस तरीके से जो भी प्रोग्राम में जैसे आए हैं उनको सभी लोग को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, और आगे भी दिखाएंगे अभी हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आगे भी क्या प्रोग्राम है और किस तरीके से यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, और क्या इस पे प्रोग्राम में और क्या लोगों को दिया जाएगा, क्या संदेश सिखाया जाएगा, अभी हम आगे अपने चैनल के माध्यम से बताएँगे।